तो प्लीज ये ओब्लेस के प्लेटफॉर्म को बदनाम मत करना। मैं अभी भी देख रहा हूँ कुछ फाउंडर हैं वो कुछ अपने तरीके से ओब्लेस में लगे हुए हैं। अभी भी मेरे पास फोटोग्राफ्स आई हैं उनकी, सारा कुछ। प्लीज ऐसा मत करो यार, ऐसा ऐसा नहीं करना है। ऑन पैसिव ये ओब्लेस या कुछ पैकेजेस या ये ऐसा नहीं है भैया। इसको जस्ट अंडरस्टैंड, पहले अंडरस्टैंड करिए अपने, फिर वही बात की इमेजिनेशंस और जो जो चीजें हैं, ऐसे मत सोचिए कि ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और बट इतने बड़े एक मिशन को, इतने बड़ी एक कंपनी को धूल में मत मिलाइए ऐसा। और मैंने पहले बोला कि ऐश बहुत दुख दुखी थे ये सारी बातों से एक टाइम पे, कि वो यहाँ से सारा कुछ रिफंड देना चाहते थे सारे के सारे जितने भी फाउंडर। अब आप सोच लो अगर ऐसा हो जाता तो आप आज कहाँ पे होते सारे के सारे। ओके सोचिए इन 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 बातों को प्लीज सोचा करो कि ऐसे नहीं करना। हमें ऐसा क्यों ना बताए, मतलब कि ऐसे सोचे क्यों कोई किसी किसी के बारे में, हमारे सीईओ क्यों सोचे ऐसे बार, क्यों फाउंडर ये सोचे या ये कहें कि ओके इंडिया के फाउंडरों को ये नसीहत दो, इंडिया के फाउंडरों को ये बोलो। क्यों ऐसी नौबत आए कुछ चंद लोगों की तरह। इसीलिए ये जो चंद लोग हैं इनको प्रोटेक्ट मत करिए, इनको रिपोर्ट करिए, आगे लेके आइए कोई भी हो। ओके शरेआम बोलिए, नाम लेके बोलिए इनका। ओके तो वो आई थिंक हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को और अपने बिजनेस को, ताकि आने वाले दिनों में जब बहुत कुछ हो रहा होगा तो ये एम्बेरसमेंट हमें फील ना हो थ्रू कंपनी की तरफ से, कि यार जब ऐसा कुछ गलत हो रहा था तो ये अच्छे वाले लोग हैं जो एथिकल लोग हैं वो क्यों नहीं बोले, फिर क्यों नहीं उन्होंने रिपोर्ट किया। ओके तो अगर वो नहीं करते तो बीच में सब लिपट जाओगे फिर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो जो अच्छे वाले लोग हैं वो भी सारे लिपट जाएंगे बीच में। प्लीज ऐसा मत करिए एंड प्लीज स्पीक अप। कोई गलत है पहली बात करने की जरूरत नहीं। अगर आप कर भी रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में आपने कर भी, उसको स्टॉप कर दीजिए प्लीज। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके आपसे गलती हो गई है। ओके उसको आज की डेट में ही उसको स्टॉप कर दीजिए। ओके ठीक है, या आपने फॉर एग्जाम्पल किसी से पैसे ज्यादा भी ले लिए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसको ठीक है भैया वो ज्यादा ले लेते हैं, ये लो आप अपना ले लीजिए बैलेंस एंड एवरीथिंग इज गुड। तो ये भी हो सकता है। ओके तो जस्ट थोड़ा समझिए यार, ये ऑन पैसे कैसे बन रही है, इसको हमने कैसे बनाना है। अगर एथिकल बन रही है क्यों इतना टाइम लगा। अगर ऐसे दो नंबर के वाली बनानी होती है ऑन पैसे तो कब की तैयार हो जाती, दो नंबर के काम करने में कितनी देर लगती है, क्या जरूरत थी इतने अप्रूवल्स और ये सारा कुछ, यहाँ यहाँ से उधर उधर से अप्रूवल लेने की क्या जरूरत थी, क्या थी। ओके तो इसलिए जैसे कंपनी कर रही है तो उसी तरीके से ही आप लोग भी बिहेव करिए। जी नीरज सर ने हैंड रेज किया है। नीरज सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सॉरी, मैंने लोअर नहीं किया सॉरी। अच्छा सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। संग्राम जी आपका भी हैंड रेज है, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज आप अपनी बात रखिए, फिर हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट को लेते हैं। संग्राम जी। जी सर, मेरा ये जो नीरज सर ने आज जो बात बोले ये बहुत भारी दुख की बात है। और ये चीज का फिर मैं मुझे थोड़ा कुछ दिन पहले कुछ जानकारी आया था, एक फाउंडर ने मुझे बताया था कि पैकेजेस का बारे में नहीं बताया था, लेकिन जो पेंडिंग आईडी के बारे में एक बार बताया था कि भाई इतना पैसा लगता है क्या, मतलब 10-11 हजार 12 हजार रुपया लगता है क्या। तो मैं उनको बोला ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कभी भी इतना पैसा नहीं लगता है। हर एक बैंक का कुछ 100 रुपया 50 रुपया का इधर उधर ट्रांजेक्शन का ऊपर, हर एक बैंक का सिस्टम ऐसा होता है, तो ये इधर उधर हो सकता है, 50-100 रुपया इधर उधर हो सकता है। लेकिन 11 हजार 12 हजार रुपया नहीं लेता है कोई भी बैंक, नहीं करता है, तो किसी को ये पैसा मत दिया करो, पहले पहली बात। और दूसरी बात ये जो पैकेजेस के बारे में, ये तो मुझे भी मालूम नहीं था, आज नीरज जी से पता चल रहा है। तो मैं थोड़ा अभी मैं क्या सर परमिशन दें, मैं थोड़ा उड़ीसा का लैंग्वेज पे बोल सकता हूँ सर? प्लीज संग्राम जी। ओके हाँ, समस्तों को नमस्कार। तो प्लीज ये का नेशनल वेबिनार रे ओडिशा वेस्ट बंगाल ए जो नाम आसुची जेटा कि आम मानको खराब लागुची, प्लीज जत्ते जनो फाउंडर मेंबर अछंती प्लीज समस्त को रिक्वेस्ट करची, सिस्टम तरफ रु आज पर्यंत वर्तमान सुधा डिक्लेअर करा जाय नाही पैकेजेस रो रेट केते रहइबो, मल्टी पैकेजेस रहइबो सेते पुनी फ्री आइटम रहउची, काहा को कोनोसी टाइम बाउंड भी दिया जाय नाही। मुखरा सर वर्तमान सुधा आसिकी किसी भी क्लैरिफिकेशन दे ना, तो प्लीज आप कहीं पैसा अमाउंट कथा टाक आप कहीं कहते
पैसा रमाउंट कहीं आप लोक को भ्रमित कर कहपारे आपण मैंने निजर पैकेजेस को बाय करने निजक प्रस्तुत रुंतु केते टंका आपण एक कहतु ना कारण जिते बड़े सिस्टम रु आमको जना पड़ो जे आमको एति टंका पैकेजेस आम लो पैकेजेस कि मीडियम पैकेजेस कि हाई पैकेजेस कि ये भी क्लीयर नुहे बर्तमान सुधा तो धीरे धीरे सब जिन क्लियरीटी भितर आसीज मस दुई मस भर सब जिन आमको जना पड़ तेणु प्लीज आप वेट करूँ ये सब जिन आप करना एवं खास करके ओडिसा रो नाम ताको बदनाम करंतु नाही आपण तो जणे दि जण लोक भूल करचंती ता पई टोटल इंडिया बदनाम होउची आउ केही भी चाहंती नाही दिलन सर होतो किबा नीरज सर होतो किबा आमे समस्त केही भी चाहू जे जणे फाउंडर मेंबर आईडी टर्मिनेट हे जाउ तो सेबेला रिपोर्ट केबे उपर को न जाउ निजर व्यवहार को आपण माने परिवर्तन करंतु निज भितरे रखंतु जते पर्यंत सिस्टम को न बुझी पार्टी तो प्लीज कह रही कहतु ना मीटिंग अटेंड करूँ शिखतु और निज को निज पर से बाबद ज्ञान दिखा तो लोक को भ्रमित करूँ ना थैंक यू समस्त को पुणी आउ थे धन्यवाद दूची और सर मैं पूरा टोटल बात बोल दिया हूँ और मैं माफी चाहता हूँ हमारा उड़ीसा की तरफ से अगर कोई बंदा ऐसा अगर कर रहा है तो अभी से सुधर जाइए नेशनल प्लेटफॉर्म पर उड़ीसा वेस्ट बंगाल का नाम आता है तो ये इंडिया की इमेज की खराब हो रहा है तो प्लीज ये सब काम मत कीजिए तो सभी को रिक्वेस्ट करूंगा उससे आप थोड़ा दूर रहिए सिस्टम को इंतजार कीजिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसी का पर हम आगे बढ़ेंगे थैंक यू सर जय जगन्नाथ जय अंतरिक्ष थैंक यू संग्राम जी नेक्स्ट क्वेश्चन सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर नहीं बस ठीक है थैंक यू इसमें संग्राम कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है आपको कि ये आप एक जिम्मेदार फाउंडर के हैसियत से आप अपने लोगों को बोल रहे हो तो जो भी आप बोल रहे हो बड़े एथिकल अच्छे तरीके से बोल रहे हो तो माफी तो जो लोग गलती कर रहे हैं उनको मांगनी चाहिए सबसे पहले ओके तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट ये कोई ये नहीं कि एक स्टेट या एक उसको टारगेट किया ऐसा नहीं एज ए टोटैलिटी में हम बात कर रहे हैं इंडिया की बात कर रहे हैं ओके तो किसी को ऐसे पर्सनल भी लेने की जरूरत नहीं है कि शायद इस स्टेट को टारगेट किया या उस स्टेट को टारगेट ऐसा कुछ नहीं है हम एज ए टोटैलिटी में बात कर रहे हैं ओके वो चाहे कहीं किसी भी इवन आउट ऑफ कंट्री भी अगर ऐसा हो तो उसके लिए भी हम लोग वही बात कर रहे हैं ओके सो नथिंग टू वरी डेफिनेटली सॉरी या मैंने ओडिशा और इसका नाम लिया था क्योंकि वो मेरे को इन्फॉर्मेशन आई थी इसलिए तो मेरे को मालूम है कि 99% बराबर काम कर रहे ये जो मैसेज है सिर्फ वो 1% लोगों को है जो बराबर नहीं कर रहे तो नथिंग पर्सनल आपको भी मालूम है मेरे को भी मालूम है कि नथिंग अगेंस्ट कलकत्ता और ओडिशा और इंडिया द मैसेज सिर्फ वो 1% या 0.5% वाले लोगों को है थैंक यू थैंक यू वेरी मच नीरज सर और बढ़ते हैं इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं हमारे बीच में काफी लोग मौजूद हैं अभी भी हैंड रेज है तो